शंभु शंभु शिव महादेव, शंभु 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 शिव महादेव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस सावन भोलेनाथ के साथ साथ अगर किसी की धूम है तो वो है फरमानी नाथ, जिनकी आज हर कोई सराहना कर रहा है। वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फरमानी नाथ की आलोचना कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। आज फरमानी नाथ जिनके गाने गाकर फेमस हुई है, उन्हीं से यानी भगवान शिव से इनका कनेक्शन पुराना है। आज फरमानी नाथ की आवाज के लोग मुरीद भी हो गए। चलिए आपको इस कनेक्शन के बारे में भी बता देते हैं कि भगवान शिव से क्या कनेक्शन है फरमानी नाथ का। कर्पूर गौरम करुणावदारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। फरमानी नाथ ने जो हर हर शंभू गाना गाया उससे उनकी तारीफ तो हो ही रही है। मुस्लिम होकर फरमानी ने जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया वो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन उन्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तमाम मौलाना धर्म के नाम पर कानून की किताब लेकर आ गए हैं, फरमानी नाथ के खिलाफ फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं। अब इन सब के बीच एक बात सामने आई है कि उन्होंने अपना पहला भजन भी भोलेनाथ पर गाया था। 2021 में फरमानी नाथ ने महादेव पर फिल्माया गया भांग पी के भजन गाया था, जिसे हर किसी ने खूब पसंद किया था। भांग पी के गाना 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुआ था, जिस पर अब तक 6 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस पुराने गाने पर लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं। यही कनेक्शन है जहां फरमानी नाथ ने अपना पहला भजन जो गाया था वो भी भोलेनाथ पर था और आज उन्हीं का गाना गाकर वो फेमस भी हुई है। बता दें, इस पर बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने फरमानी नाथ का समर्थन भी किया है और अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, फरमानी नाथ ने जब भोले बाबा पर भजन गाया तो फतवा जारी हो गया। आमिर करीना चाहते हैं कि हिंदू उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा देखे। तुम एक भजन नहीं सुन सकते और हम पूरा फिल्म देखेंगे, ये नहीं चल सकता है। लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि हमारे चैनल से बात करते हुए फरमानी नाथ ने और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फरमानी नाथ, ये नाम आजकल बहुत चर्चाओं में है। इसके पीछे की वजह एक तो हर हर शंभू गाना है और दूसरी वजह यह है कि इस गाने को गाने के बाद फरमानी से बहुत सारे मौलाना नाराज हो गए हैं, फतवा जारी करने की धमकी दे रहे हैं। तो फरमानी आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मुझे ये बताइए फरमानी कि आप ही के कौम के लोग आपका विरोध कर रहे हैं और उन सब के बीच से निकल के आप लगातार आगे बढ़ रही हैं, डर नहीं लग रहा? नहीं मैम, कोई फतवा तो जारी हुआ नहीं, बाकी कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा बोल रहे हैं और हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं तो बस अपने काम पे फोकस रखते हैं। बाकी हमें सुनने वाले जो हमारे ऑडियंस हैं वो सभी धर्म के हैं और कम से कम हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो हमें सुनते हैं, तो वो कभी मुझे करके नहीं सुनते कि मुस्लिम है हम इसको क्यों सुने। बस उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मतलब वही कि अभी तो फतवा जारी नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में फतवे बहुत जल्दी जारी हो भी जाते हैं, तो डर नहीं लग रहा है? नहीं मैम, फतवा ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कि किसी ने, मैं अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी सब मुस्लिम ही हैं और हर हर शंभू को तो 8-9 दिन हो गए गए हुए, तो मैं प्रोग्राम में भी गई, अपने गांव में भी रही, तो वहाँ पे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि भाई आप ऐसा गा दिया है, वो बस थोड़ा ऐसे सुनने मारा है कि ऐसा बोल दिया, बाकी फतवा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, मतलब आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ी, ये गाने का आइडिया कहाँ से आया, शुरुआत कैसे हुई? मैम मेरी तो शादी हो गई थी, अपने छोटा हसनपुर मेरी शादी हुई थी और गाने का शौक मुझे बचपन से था, पर जैसे मैं अब गा रही हूँ ऐसा मैंने कभी पहले नहीं गाया और ना ही कभी ऐसी उम्मीद जताई कि मैं कहीं गाऊँ या मुझे शौक है कि मैं कहीं बड़े मंच पे गाऊँ। बस ऐसे अपने गाँव में अपने घर में गा लिया, शादी हो गई वो भी सब शौक ख़त्म हो गया, बस ऐसे घर में गुनगुना लिया। फिर ससुराल वालों ने ज़्यादा दुखी किया, हस्बैंड का दूसरी लड़की से चक्कर था, फिर मेरे एक बेटा हुआ जो उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम थी तो उसको लेके भी वो मुझे परेशान करने लगे, तो मैं अपने घर पे आ गई, मैंने कुछ दिन उनका वेट किया, वो बिल्कुल नहीं आए मुझे देखने के लिए ना बच्चे को देखने के लिए। तो फिर मेरी आवाज़ अच्छी थी, मैंने सोचा सोशल मीडिया तो चल ही रहा है, तो जो मेरा भाई है फरमान और जो भूरा ढोलक है तो एक चैनल पर गाना गाते थे जो राहुल कुमार का चैनल था, तो राहुल कुमार ने हमारी वीडियो उस पर अपलोड की और वो इतना वायरल हुआ गाना, बहुत ज़्यादा पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया उसे,